अच्छा जी, फिर मिर्जा जी ने क्या करा, मिर्जा जी ने यानी पैदाइश 4 अक्टूबर 1977 से लेकर 2007 के एंड तक का बताया कि मैं सरसे तक बरेल भी रहा, मैं सरसे तक क्या रहा हूं। उसके बाद कुछ अरसे 2008 में देवबंदी और फिर कुछ अरसे अहलेदीस के साथ गुजारा है। भाई तवज्जो सुनिए, बड़े काम की बात है, मिर्जा जी बड़े काम की चीज की तरफ तवज्जो दिलाया। मिर्जा साहब के मुकल्लद जी सुन लेना तो वो समझ में आ जाए मिर्जा जी सारा उनको। और उसके बाद स्टडी के तौर पर मैंने अहले तशय्यु को भी बड़े करीब से देखा है, उनकी भी चीजें सुनी पड़ी और देखी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सबकी बातें सुनता हूं। मिर्जा जी को अरबी थोड़ी सी आती है, कुरान की अरबी मुकम्मल आती है। मिर्जा जी ने इस पूरी वीडियो में अपने मदरसे का कहीं बताया नहीं। इस पूरे तारुफ में मैंने नाजरा वहां से पढ़ा, स्कूल की तालीम वहां से, कॉलेज की तालीम वहां से, और आला किस्म की वो तालीम जिसके बाद मैंने वाकया करबला पे रिसाला लिखा अरबी में, उसके लिए मैंने अरबी वहां से सीखी। बता ऐसे मिर्जा जी को पकड़ा जा सकता है, ऐसे मिर्जा जी को पकड़ा जा सकता है। मिर्जा जी को गौर से सुनने की जरूरत होती है। मिर्जा जी कोई कमाल नहीं कर रहे, मिर्जा जी ने लोगों के थूके हुए को चाटा। बस साहबा पे जितने एतराजात मिर्जा जी ने किए पहले से किताबों में, और मिर्जा जी अपनी इसी रिकॉर्डिंग में बताएंगे किसका थूका हुआ मिर्जा जी चाट रहे, इसी वीडियो में बताएंगे। तो कोई अनोखा नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था हमने पहले उन एतराजात को सुना और उनके जवाब को सीखा नहीं था, इसीलिए आज मिर्जा हमें अनोखा लग रहा था। जब मिर्जा के पोल उलमा खोलने लगे अब पता लगा कि ये मिर्जा जी की हकीकत थी। सुनो जरा आगे ना, मिर्जा जी 30-31 साल तक क्या रहे, बरेलवी। इसके बाद कुछ अरसे 2008 में देवबंदी और फिर कुछ अरसे अहलेदीस के साथ भी गुजरा, उसको स्टडी के तौर पर अहले तशय्यु को भी मिर्जा साहब ने करीब से देखा। मिर्जा जी का ये पूरा अगर हम निकालें, जो मिर्जा जी खुद कहते हैं 39 साल, उम्र कितनी 39 साल, 39 साल में से 30-31 में से 31 को भी माफ कर दो, 30 को अगर निकाल दो तो 39 साल में बाकी बचे 9। 9 में 3 ग्रोहों को अगर तकसीम करो, 3 ग्रोह में 9 को अगर तकसीम करो तो हर ग्रोह को 3-3 हिस्से मिलेंगे, देवबंदियों को भी, अहलेदीसों को भी और अहले तशय्यु को भी। जिसका मतलब यह हुआ कि मिर्जा जी का जब बरेलवी से पारा घूमा, मिर्जा जी का बकौल, मिर्जा जी जो है वो यानी कि ये इस सब चीजों की तरफ आए, तो मिर्जा जी टोटल उसमें कितना अरसा रहे, 3 साल देवबंदियों की तरफ, अगर 3 साल भी अहलेदीसों की तरफ माना जाए तो 3 साल, 3 साल अहले तशय्यु की तरफ, टोटल 3-3 साल तीनों ग्रोहों को मिर्जा जी ने पढ़ा। ये मेरी बात समझ रहे? लेकिन आप देखें मिर्जा जी तीनों के सारे उलमा के मुखालिफ बोलते हो, सारों की गलतियां बताने बैठे होते। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप जिसको अरबी जबान नहीं आती, आप जिसे उर्दू सही से बोलना भी नहीं आती, आप जो उसूलियात के बारे में बिल्कुल टके भर नहीं जानते, ना उसूल तफसीर, ना उसूल तशरी, ना उसूल हदीस, ना उसूल मुनादरा, ना उसूल किरत, ना दीगर किसी भी चीज के बारे में आप नहीं जानते, आपके हाथ में अरबी किताब दे दी जाए कि मिर्जा जी यहां से पढ़ के सुनाओ, हराम है जो 2 सतर आप पढ़ जाए, और उसके बाद मिर्जा जी सबके खिलाफ बोले और गुजारा हो बकौल खुद उनके कितना अरसा, 9 साल। तो हमें समझ जाना चाहिए ये मिर्जा जी का अपना कमाल नहीं है, ये मिर्जा जी के पीछे एक पूरा हल्का अहबाब है, मिर्जा जी के पीछे एक तबका बैठा हुआ है, मिर्जा जी को जो डिक्टेशन देता है कि मुन्ने अब ये बोलो, मुन्ने अब यूं करना, मुन्ने अब इस आलिम के पीछे लग जाना, अब इससे बदतमीजी करना, अब मुन्ने इसके ऊपर बोलो, अब मुन्ने यूं हो जाओ, क्योंकि मुन्ने को तो मशहूरियत चाहिए। मुन्ने के लिए तो शायर ने अपने शेर के अंदर कहा, नन्ना मौजूद को यार खुद कह रहे मुझे फितना बोलो, वो हम बोल ले रहे, हमने मुन्ना बोल दिया, नाराज नहीं हुए ऐसे ना। आज देखे शायर ने जब अपने शेर में कहा जब बदनाम भी हुए तो क्या नाम ना होगा, तो मिर्जा जी ने नाम के चक्कर में बदनाम हो जाना पसंद कर लिया, नाम जाने दिया, नाम जाने नहीं दिया। आप देखें कि मिर्जा जी कहते हैं कि मैं 30-31 साल बरेल भी रहा, 2008 में देवबंदी की तरफ गया, फिर कुछ अरसा अहलेदीस के साथ गुजारा, उसके बाद स्टडी के तौर पर मैंने अहले तशय्यु को भी बड़े करीब से देखा, उनकी भी चीजें सुनी पड़ी और देखी। मेरे भाइयों मैं आप लोगों को बताऊं दोबारा से, आंख से जागने की नहीं, दिमाग से जागने की जरूरत होती है।
सुने जरा बात को, मिर्जा जी 30-31 साल बरेल में रहे, स्टडी का कोई लफ्ज नहीं है। मिर्जा जी 2008 में देवबंदियों के साथ गए, स्टडी का कोई लफ्ज नहीं है। मिर्जा जी कहते हैं कुछ अरसा अहलेतीस के साथ गुजरा, स्टडी का कोई लफ्ज नहीं है। लेकिन मिर्जा जी कहते हैं कि अहले तशय्यु को बड़े करीब से देखा, स्टडी करते हुए। इसका मतलब मिर्जा जी ने टोटल जो पढ़ा वो किसको पढ़ा, और वो भी बहुत करीब से, अहले तशय्यु। अब तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये आदमी सुन्नियत के भेष के अंदर राफसी शिया है। ये सिर्फ उन्हीं के थूके हुए को चाट रहा है बस।